स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन पे। तो रोलिंग मोशन को एक्चुअली किस तरीके से समझा जा सकता है, उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्फेयर लिए हैं कुछ इस तरीके से। तो उस स्फेयर को हम इंक्लाइंड सरफेस पे कुछ इस तरीके से रखें, और इस ये जो यहाँ से यदि यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं तो स्टार्टिंग में रेस्ट में है, और यदि इसको हम यहाँ से छोड़ दें तो कुछ इस तरीके से रोल करेगा यहाँ पे, मतलब कुछ इस तरीके से मूव करते हुए नीचे जाएगा। एक तरीके से आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मान लो एक व्हील जो गाड़ी में चक्का लगा होता है वो जिस तरीके से मूव करता है उस तरीके से यहाँ से ये रोल होता हुआ क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो यदि व्हील की तरह मूव करेगा तो उसको बोलेंगे रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन को एक्चुअली यदि डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा कि यदि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी और रोटेटरी ये दोनों मोशन करता हो, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, मतलब यदि बॉडी का पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन भी करे और साथ ही साथ रोटेटरी मोशन भी करे, देन वो रोलिंग मोशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन कैसे हो सकता है, यदि यहाँ पे स्लिपरी सरफेस होता, ये सरफेस यदि स्लिपरी होता तो ये बिना रोल हुए तुम्हारा क्या हो जाता, मूव कर जाता, सीधा नीचे आ जाता, बिना घूमे हुए ऐसे ऐसे बिना रोल हुए ये तुम्हारा नीचे आ जाता, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाता तुम्हारा। बट वही चीज़ है कि ये यदि रोल होता हुआ इस तरीके से घूमता हुआ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, रोलिंग मोशन है, मतलब इसके पास रोटेशनल मोशन भी है। उसको यदि समझना है तुमको बढ़िया से तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में देखो। हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसका एक पार्टिकल सेंटर पे, यहाँ पे मतलब पार्टिकल तो बहुत सारा है इसके पास है, बट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कोई दो पार्टिकल्स को। तो एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे है सेंटर पे, और एक पार्टिकल सरकमफेरेंस के पास है, सरकमफेरेंस के करीब। तो ये यदि यहाँ से रोल होगा तो देखो इसको ध्यान देने की बात है कि ये हमारा सरफेस है, ये कुछ इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो ये यदि रोल होगा तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, किस मान लो कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट बढ़ा तो ये पोजीशन हो सकता है इस जगह पे आ जाए या तो इस जगह पे आ जाए, तो पोजीशन उसका चेंज हो जा रहा है। बट क्या सेंटर वाला पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेंटर का पोजीशन जो है जितना हाइट पे है वो उतना हाइट पे ही रहेगा, मतलब इसी लाइन में तुमको हमेशा मिलेगा। मतलब ये जो सेंटर का पार्टिकल है वो जो है सो तुम्हारा कैसा मोशन कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स व्हाट, लीनियर मोशन कर रहा है वो। बट ये वाला पार्टिकल जो है वो क्या होगा, ये तुम्हारा रोटेट हो रहा है कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, मतलब ये दो तरह का मोशन, इसका पार्टिकल जो है वो दो तरह का मोशन कर रहा है, फर्स्ट वन इज द लीनियर मोशन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन उसको बोलते हैं हम लोग जब कोई भी सिस्टम का पार्टिकल रोटेटरी मोशन भी करे और साथ ही साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी करे, ठीक है। तो तब हम लोग बोल सकते हैं इसको रोलिंग मोशन में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। तो इसका पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, रोटेटिंग मोशन भी कर रहा है और साथ ही साथ मतलब रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। ट्रांसलेशनल मतलब तुम कह सकते हो लीनियर मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मतलब होता है स्टेशनर, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट। तो कुछ इस तरीके से कि ऑब्जेक्ट जो है सो दो तरीके से मोशन कर रहा है, एक ट्रांसलेटरी एक रोटेटरी। यहाँ तक मैं रोलिंग मोशन, हमारा रोलिंग मोशन का डेफिनेशन यदि पूछा जाए तो बस इतना ही बोलना है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट वन इज द रोटेटरी मोशन, अदर वन इज द लीनियर मोशन, है ना। तो दो तरह का मोशन यदि करता है तो रोलिंग मोशन होगा। अब हम लोग इसका आते हैं थोड़ा डेरिवेशन पे, क्या आखिर इसका पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो कितना क्या होगा, यदि ये रोलिंग मोशन में होगा तो ऐसे कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, किस तरीके से हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंडीशन वो होगा यहाँ पे, कंडीशन हम लोग यहाँ पे लीनियर मोशन मतलब एक ऐसा सरफेस के लिए नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो मतलब ऑब्जेक्ट का नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट जितने हाइट पे रखा हुआ है, मतलब इंक्लाइंड सरफेस है ना, तो एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे सरफेस से, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका हाइट जो है इधर होगा, तो ये हाइट इसका कितना है, ये एच हाइट पे है। तो एच हाइट तुम चाहो तो यहाँ तक नहीं मानना चाहते तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम यदि नीचे कर रहे हैं तो यहाँ मान लो इस जगह तक के लिए, तो इस जगह तक के लिए हम लोग मान लेते हैं इसका हाइट क्या है, एच है, चलो इधर छोड़ देते हैं, यहाँ से तो यहाँ तक का इसका हाइट क्या है, एच है। अब यहाँ से तुम जैसे ही इसको रिलीज़ करोगे, जैसे मतलब रिलीज करने से पहले वो रेस्ट में है, रेस्ट में तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो,
अब यहाँ से जैसे रिलीज करते हैं तो ये रोल होता हुआ तुम्हारा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। तो सरफेस को टच करने से पहले इसका जो वेलोसिटी होगा दैट ओनली विल बी फाइनल वेलोसिटी, किसके बराबर, वी के बराबर होगा। ये कंडीशन हो गया। यही चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, सरफेस को टच करने से जो पहले जो वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, उस चीज़ को हमको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है एज ए रोलिंग मोशन के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन यहाँ पे ये यह है कि हम लोग सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को इसका देखते हैं। मतलब हम जानते हैं कि एनर्जी जो जो है सो कंजर्व होता है हर जगह पे, क्योंकि हम लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है सो किसी भी तुम हाइट से उसको नीचे गिराओ, तुम किसी भी हाइट से, तो तुमको हर जगह पे उसका एनर्जी, हर एक पॉइंट पे तुमको उसका टोटल एनर्जी जो होता है मैकेनिकल एनर्जी, वो तुमको क्या मिलता है, सेम मिलता है, MgH के बराबर मिला हुआ था उस समय। मतलब एनर्जी हमको हर जगह पे क्या मिलता है, कंजर्व्ड मिलता है। तो कह सकते हैं हम कि स्टार्टिंग में जब ये इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे इसका मैकेनिकल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी हम जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसको मान लेते हैं E1, कि इस जगह पे इसका मैकेनिकल एनर्जी E1 है, और जब इस लोकेशन पे आ गया तो इसका मैकेनिकल एनर्जी जो है सो E2 के बराबर है। E2 के बराबर, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि E1 मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेज, एंड दिस वन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेज, और दोनों जगह पे एनर्जी कंजर्व्ड है। तो ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे होगा वही मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे होगा, इस जगह पे भी होगा। तो दोनों जगह पे एनर्जी क्या होगा, हमको सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, फॉर डेरिवेशन यहाँ पे लिख सकते हैं एट हाइट, एट सर्टेन हाइट, या तो एट हाइट क्या होगा, एट हाइट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, E1 मान लिए यहाँ पे, और एट बॉटम आप यहाँ लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, एट बॉटम मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, E2। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हैं, कि एनर्जी दोनों जगह पे सेम है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं E1 इज इक्वल्स टू व्हाट, E2। बट अब यहाँ पे E1 क्या है उसको लिखना पड़ेगा, तो E1 इज इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन। मतलब पहला का यहाँ पे जो है मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वन यहाँ पे बेस में लगा हुआ है इसलिए वन लिख दिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ पे चाहो तो आई भी लिख सकते हो और उसके जगह पे एफ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आएगा यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट पे जो यहाँ पे बॉटम पॉइंट है उसके जगह के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, K2 + U2 लिखना पड़ेगा। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे वो समझो, कि स्टार्टिंग में मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये रोल नहीं हो रहा है, यहाँ से ये रोल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे इसका रोलिंग हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो सो रोटेशनल भी होगा और काइनेटिक भी होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे जब रोल हो रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है उसके उसमें, और रोटेटरी मोशन भी हो रहा है वहाँ पे, तो दोनों मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों फॉर्म के लिए लिखाएगा, साथ में ऐड होगा दोनों। और इस स्टार्टिंग वाला में तुम्हारा जो है सो काइनेटिक एनर्जी जो है सो जीरो मिलेगा। क्यों जीरो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो मोशन, वहाँ पे मोशन ही नहीं है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी होने का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रेस्ट में है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे यदि हम लिखूँ इसको एज ए वेलोसिटी, मतलब एज ए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यदि इसको लिखते हैं, तो ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, तो 1/2 mu² के बराबर होगा, प्लस U1, U1 के जगह क्या होगा वहाँ पे, MgH होगा, क्योंकि इसका हाइट कितना है, h हाइट है, तो MgH हो गया, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है बट काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इस जगह U के जगह पे हम क्या लिख पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो 100% हमारा ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब राइट साइड के लिए लिखते हैं K2 के लिए, तो K2 के लिए का क्या होगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी फॉर लीनियर, सबसे पहले लीनियर का लिखो, तो क्या होगा 1/2 mv², और रोटेशनल के लिए लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल ये हो जाएगा 1/2 I² मास इंटू वेलोसिटी, तो इनर्सिया क्या बोले थे, मास है, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा, प्लस U2। अब U2 की जगह क्या लिखोगे, mg, और यहाँ पे तो हाइट जो है तो नेग्लिजिबल है, हाइट तो जीरो हो गया ना बॉटम के पास, तो यहाँ पे हाइट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जीरो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे हमको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल है तो वहाँ पे काइनेटिक है,
ये कुछ फंडा यहाँ पे आ रहा है। तो इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। कैसे? देखो, ये पूरा टर्म हमको जीरो मिल गया, तो जीरो मिलने पर क्या मिला यहाँ बचा है हमारे पास? एम जी एच बचा है, तो एम जी एच लिख देते हैं। अब राइट साइड में क्या बचा है? 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से मिल गया हमको, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप इक्वेशन वन लिख सकते हो। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ को हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्या क्या वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है हमको? इसको रोटेशनल मोशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वैसे लिखना है तो क्या करो यहाँ पे, सो देखो, उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या देख सकते हो, वी के जगह वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आई के जगह वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ओमेगा के जगह पे वैल्यू यदि आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे? सो देखो, तो उसको यदि चेंज करना है तो यहाँ पे हम जानते हैं वी के जगह पे, सबसे पहले वी के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इनर्सिया देखो, इनर्सिया हम लोग जानते हैं क्या चीज़। इनर्सिया ऑलरेडी इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। अब बोलोगे ये एम कहाँ से आ रहा है? तो एम उस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। तो वहाँ पे अब इंडिकेट कर लेना मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सब जगह जहाँ भी एम दिख रहा है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो रोल हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, दैट ऑन ऑब्जेक्ट का मास। तो उसका मास तुम लिख सकते हो, कैपिटल एम भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हम यहाँ पे स्मॉल एम लिए तो स्मॉल एम ही उसको मान लो। अब डिपेंड करता है कि आप कैपिटल एम मानो या स्मॉल एम मानो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कैपिटल एम भी ले सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे भी मास तो एक दूसरे से कैंसिल हो ही जाने वाला है। मास पे डिपेंड नहीं करता हमारा वेलोसिटी, इसलिए मास एक दूसरे से कट हो जाएगा। अभी देखना कैसे। तो ये हो गया इनर्सिया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई की जगह हमको एम आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, ये इनर्सिया का फॉर्मूला होता है। और वी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू, एक रिलेशन हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, दिस वन। अब बोलोगे यहाँ कैपिटल आर क्यों लिए? आप चाहो तो स्मॉल आर ले लो, नो प्रॉब्लम। उस ऑब्जेक्ट का रेडियस को हम आर मान लेते हैं, स्मॉल आर ही, चलो ठीक है, स्मॉल आर ही मानते हैं। तो इसके जगह क्या लिखेंगे? वी इज इक्वल टू, यहाँ कट करता हूँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस वन। और यदि आप कैपिटल आर वहाँ पे मानोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल आर ओमेगा। अब डिपेंड करता है कि आप क्या वहाँ पे मान रहे हो। ऑब्जेक्ट का रेडियस यदि आर मानोगे कैपिटल में, तो आर यहाँ पे कैपिटल में लेना पड़ेगा। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया हमारा। तो ओमेगा के जगह पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये चीज़ आ गया। कैपिटल आर लेंगे तो कैपिटल आर यहाँ पे लिखेंगे, चलो कैपिटल आर लेकर के ही चलते हम लोग। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर आ गया, ठीक है, कुछ इतना। तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिल गया, आई का वैल्यू मतलब इनर्सिया का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो इसको क्या माने थे? इक्वेशन वन। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, या तो इक्वेशन वन बिकम्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो क्या आएगा हमारा रिलेशन? देखो, लेफ्ट साइड में क्या है? एम जी एच, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। राइट साइड में क्या है? 1/2 दिस वन, एम है तो एम रहने दो। वी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा? वी को उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, उसको वी स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि वही तो कैलकुलेट करना है हमको ना। प्लस 1/2 आई की जगह देख लो क्या है? एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एम आर स्क्वायर, आई हो गया कंप्लीट। ओमेगा, ओमेगा की जगह वी बाई आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी बाई आर टू द पावर ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ आ गया, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों साइड से देख सकते हो मास जो है ना, इधर से कॉमन आके मास कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा? एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आ जाएगा जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? प्लस 1/2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर ऊपर में, ठीक है, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये क्या है मेरा, ये यहाँ पे आर स्क्वायर था, एम आर स्क्वायर, हाँ सर, ठीक है, एम आर स्क्वायर, और फिर क्या है? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो सॉरी, एक चीज़ हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। इनर्सिया जो है सो एम के स्क्वायर होता था, एम आर स्क्वायर नहीं, एम के स्क्वायर, सॉरी। यहाँ पे इनर्सिया की जगह लिखना क्या था? के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, जो रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में लिखे थे हम लोग, रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में। तो इनर्सिया होगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर की जगह पे के स्क्वायर, दिस वन।
तो यहाँ हमारे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इस जगह पे, ठीक है। ये चीज़, तो ये चीज़ आ गया, जी एच इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ है। अब क्या करते हैं, राइट साइड में देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, राइट साइड में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 1/2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1/2 कॉमन आ रहा है, और साथ ही साथ वी स्क्वायर इसमें भी है, वी स्क्वायर इसमें भी है, तो वी स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर बाई टू कॉमन हो जाएगा हमारा, तो वी स्क्वायर बाई टू इज कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा, ठीक है, और इधर क्या बचा राइट साइड में, यहाँ बचा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ बचा, ठीक है। तो अच्छा, 1/2 कॉमन ले लिए थे हम लोग ना, 1/2 यहाँ भी 1/2, 1/2 कॉमन हुआ था, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ओनली 1 बचेगा, क्योंकि 1/2 कॉमन हम लोग ले लिए ना, तो वी स्क्वायर बाई टू मतलब 1/2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बचा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये चीज़ मिल गई हमको किसके बराबर, जी एच के बराबर। अब यहाँ पे यदि मैं वी को सब्जेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2gh इधर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कुछ इतना आएगा। वी स्क्वायर को यहाँ पे सब्जेक्ट किए, ये वी स्क्वायर सब्जेक्ट किए, तो 2gh डिवाइड बाई ये पूरा टर्म नीचे जाएगा, तो कितना, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से वी को कैलकुलेट कर लो, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा रिलेशन, यहाँ पे रूट अंडर रूट के फॉर्म में आएगा, तो वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आपका रिलेशन आ गया वेलोसिटी का। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये मैथमेटिक्स काम आएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है, वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh प्लस 2gh अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये रूट के अंदर आपको वी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। यदि मैं फोर अब यदि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करके एक जनरल फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लिए ना, इस ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करके, मतलब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास को एम माने थे और इसका रेडियस को जो है कैपिटल आर माने थे, तब जा करके हमारा ये रिलेशन आया, और इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोल करवा दिए, मतलब इसको इंक्लाइन सरफेस पे हम नीचे इस तरीके से छोड़ दिए, तब हमको पता चला कि इसके बॉटम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जो है कुछ इतना के बराबर आएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया ये वाला इतना के बराबर आएगा, 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि तो रेडियस ऑफ जायरेशन की एक सिन मतलब एक बोल सकते हो कि एक जनरल फॉर डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए, लेकिन वही चीज़ अब यदि मैं बोलूँ कि एक रिंग के लिए, यदि कोई एक रिंग हम लें और उस रिंग को हम यदि रोलिंग मोशन कराएं, रोलिंग मोशन मतलब किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रख दें और उसको वहाँ से रोल करवाएं, कंडीशन एक चीज़ यहाँ पे रहेगा अंडर, ये हमेशा माइंड में रखना, सरफेस जो है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, विदाउट स्लिपिंग, मतलब सरफेस जो है वो कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए, तभी वो रोल करेगा, अदरवाइज वो रोलिंग मोशन नहीं कहलाएगा, स्लिपरी मोशन में वो रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि स्लिपरी मोशन में रोल कहाँ से करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अपोजिट फोर्स लगना जरूरी होता है, रोलिंग मोशन तभी हो पाएगा जब अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी ही रोड पर चलेगी ना, तो वहाँ पर यदि स्लिपरी सरफेस होगा तो गाड़ी मूव ही नहीं कर सकती है, ठीक है, तो वो सीधा लीनियर मोशन करने लगेगा, उसका जो व्हील है वो लीनियर मोशन करने लगेगा, इसलिए रफ सरफेस होना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन डाल देना फॉर रफ सरफेस, है ना, देयर इज नो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला हमारा आ गया वी का। अब हम लोग एक रिंग के लिए देखते हैं कि रिंग के लिए क्या वेलोसिटी हो सकता है, कि मान लो एक रिंग लेते और रिंग को हम वहाँ से क्या करते, रोल करवाते, तब उसका क्या कंडीशन आता, तो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे फॉर रिंग, और रिंग का हम लोग रिंग का जो के का वैल्यू होता है उस चीज़ को हम लोग जानते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें हम रिंग का, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो चीज़ क्या होता है, उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। तो रिंग का मान लेते हैं कि रिंग का मास जो है वो एम है, तो उसका जो इनर्शिया होगा रिंग का वो कितना होता है, इसका इनर्शिया मतलब होता है एम आर स्क्वायर के बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और यहाँ पे के फॉर्म में है ना, तो के का वैल्यू भी कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा, तब यहाँ पे पता चलेगा कि क्या है। और एक और इनर्शिया लेते हैं, मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे, कंपैरिजन ये होता है इनर्शिया, तो दो तरह का, एक इनर्शिया ये हो गया रिंग का और एक हो जनरल फार्मूला हो गया इनर्शिया का ये वाला, तो हमको के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो यहाँ से पता चल जाएगा,
क्योंकि दिस इज लेफ्ट साइड दोनों का सेम है ना, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि एक जनरल फार्मूला हो गया ये इनर्सिया का और ये हमारा रिंग कलर स्पेशली है। तो यहाँ से दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि के का वैल्यू क्या होगा। तो के का वैल्यू क्या होगा, दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो होगा एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम एम कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू क्या आ गया, आर के बराबर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो के का वैल्यू आर आ गया हमको। यदि के का वैल्यू आ रहा है तो अब इस रिंग को यदि वहाँ से हम थ्रो करेंगे, मतलब उसको रोल करवाएंगे किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगा इसको सब्सूट कर दो वैल्यू को, क्या मिलेगा, 2gh अपसाइड में है और नीचे क्या है देखो, वन प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह क्या सब्सूट हो जाएगा, आर सब्सूट हो जाएगा, या तो आर की जगह तुम के सब्सिट्यूट कर दो या तो फिर के की जगह आर सब्सिट्यूट कर दो। तो ऊपर में क्या है, के जगह हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्या मिलेगा तुमको, वन बाय मतलब आर स्क्वायर कट जाएगा तो वन मिलेगा, मतलब ये मिल जाएगा तुम्हारा 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस 1, मतलब इतना मिला। तो कितना हो जाएगा ये 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस 1, कितना, 2, 2 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिला हमको, ओनली gh, v इज इक्वल्स टू √gh, ये चीज़ मिल गया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तुम्हारा जो है सो वेलोसिटी डिपेंड करेगा, इंक्लाइन सरफेस पर तुम रखोगे जब इसको तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी देखो हाइट पे डिपेंड करेगा, तुम कितना ऊपर उसको रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। और जी तो कॉन्स्टेंट है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को यदि जानना चाहते हो तो दूसरा ले लेते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर लेते हैं और सॉलिड सिलेंडर का देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो सॉलिड सिलेंडर एक एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर, तो सेकंड वन फॉर सॉलिड सिलेंडर, वेलोसिटी कैलकुलेट करना हमको फॉर सॉलिड सिलेंडर। यदि एक सिलेंडर को हम वहाँ से रोल करवाएं तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब के का वैल्यू को करना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक तो इनर्शिया हमारा जनरल फार्मूला क्या है, एम के स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और जो सिलेंडर का, जो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है उसका इनर्शिया जो होता है वो होता है इसके बराबर, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है, इतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो हम आपको लिस्ट लिस्ट भी दिखा दिए थे बुक में, जो ऑलरेडी आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस वन एम एम कैंसल, मतलब के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर बाई 2, ये चीज़ मिल रहा है के स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो इस के स्क्वायर का वैल्यू को वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या है हमारा, हमारे पास इक्वेशन है वी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही ना फार्मूला है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 2gh 1 प्लस के जगह क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या है, नीचे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब ये क्या मिला हमको, यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 2, दिस वन, ठीक है। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2gh डिवाइड बाई 3/2, 3/2 हो गया ना। तो ये चीज़ है, तो ये टू जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4gh डिवाइड बाई 3, दिस वन। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ भी क्या है, एच पर ही डिपेंड कर रहा है, एच के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो भी है 4 के मल्टीपल में वैल्यू मिलेगा तुमको यहाँ पे, तो वेलोसिटी हमारा इसमें ज़्यादा मिलेगा सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जी का वैल्यू तो तुमको पता है, अब एच तुम्हारा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी मिलेगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आसान हो गया ये सब तरीका। अब एक लास्ट वन और भी बता देते हैं, लास्ट वन वो हम लोग बताते हैं सॉलिड स्फेयर के लिए, फोर सॉलिड स्फेयर, ये खुद से पुट करके देख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिस्ट पीछे देखना और वहाँ से पुट करके तुम ऑलरेडी वैल्यू ले सकते हो। तो सॉलिड स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक तो सबसे पहले जनरल फार्मूला होता है एम के स्क्वायर, और दूसरा होता है सॉलिड स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, सॉरी एम मतलब 2m आर स्क्वायर बाई 5, आर स्क्वायर बाई 5 इतना होता है, 2mr² डिवाइड बाई 5 इतना हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2m
आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से एम एम कैंसिल होगा, मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इतना आएगा, ठीक है। मतलब के स्क्वायर का ये वैल्यू आप सब्सिट्यूट कर देते हैं उसके जगह पे वैल्यू, तो यहाँ पे वी इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, रूट अंडर 2 ZH डिवाइड बाई 1 प्लस K² डिवाइड बाई R² इसके जगह पे K के जगह सब्सिट्यूट करो वैल्यू को, तो K के जगह सब्सिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 2 ZH डिवाइड बाई 1 प्लस K के जगह हमारा क्या है, 2 R² डिवाइड बाई वाट, 5 डिवाइड बाई 5 और नीचे क्या है R², तो R² और ये R² कैंसिल, मतलब 2/5 बचेगा यहाँ पे, तो ये 2/5 मतलब कितना, 2 ZH डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 2/5 मतलब कितना हो जाएगा ये, 2 ZH डिवाइड बाई 1 प्लस 5 प्लस 2, 7 7/5 होगा ये ना, 7/5 इतना। अब ये क्या है, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 ZH बाई 7, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 ZH डिवाइड बाई 7 इन रूट, ये तुम्हारा वी का वैल्यू आ गया ये चीज़। तो वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा तुम्हारा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी के लिए, जब वो किसी इंक्लाइंट सरफेस पे रोल करेगा तो उसके हाइट पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ हाइट पे ही तो डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड करेगा ठीक, और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी डिपेंड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वन चैप्टर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।